हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? और भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस राइ में। मेरा नाम ध्रुव है। तो भाई, ये देख रहे हो आप सामने ह्यूंडई की ऑरा, जो कि 4 मीटर के अंदर जो सेडान आती है, ये नियोस का सेडान वर्जन है बेसिकली। सो ये SX प्लस वेरिएंट है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और स्मार्ट ऑटो यानी कि AMD ट्रांसमिशन आप देख रहे हो पेट्रोल में। सो इसमें पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग है, कैसी डिक्की में कितनी जगह है और अंदर कैसा कंफर्ट है, और सभी कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, इसकी प्राइसिंग तो 8,23,000 इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है और वहीं पे 9,60,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। अब इस प्राइस पॉइंट पे सेडान के हिसाब से आप देख रहे हो तो इसमें काफ़ी हद तक फीचर्स आपको अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ चाबी देख लो, आपको कीलेस एंट्री मिल रही है दोनों ही स्मार्ट की। लॉक अनलॉक और टेल गेट रिलीज के लिए आपको एक बटन मिल जाता है। गाड़ी की सबसे पहली चीज़ मैं अगर चौड़ाई की बात करूँ तो 1680 mm इसकी चौड़ाई है। ओके, तो यहाँ पे जब पीछे 3 लोग बैठेंगे सो वो काफ़ी हद तक कम्फर्टेबल बैठ सकते हैं। सिर्फ जो इशू आएगा वो मैं अंदर चल के बता दूंगा। आपको प्रोजेक्टर हैलोजन बेस्ड यहाँ पे मिलते हैं हेडलाइट में, हैलोजन आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे, ये DRLs आपको मिल जाएंगे जो ब्लिंक हो रहे हैं, ये कैमरा के लेंस की वजह से हो रहे हैं, ये कोई फीचर नहीं है। बट आपको 2 बूमरैंग शेप्ड यहाँ पे DRLs मिल रहे हैं। ऑरा और नियोस, इनकी पहचान यही है कि आपको ऑरा में 2 बूमरैंग शेप्ड DRLs मिलती हैं और वहीं पे नियोस में सिंगल बूमरैंग शेप्ड आता है। इसी तरीके से आप फ्रंट से पहचान सकते हो गाड़ी को। फॉग लैम्प भी इसमें प्रोजेक्टर बेस्ड आपको मिल जाते हैं। कैस्केडिंग ग्रिल के सराउंड में आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाएगी। Hyundai का क्रोम में लोगो मिल जाता है। साइड में जैसे ही आप आओगे गाड़ी को देखते हो तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे ऑरा ऑफर करती है। यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको ऑफर किए जाते हैं, जो कि बहुत शानदार लगते हैं ब्लैक एंड सिल्वर ट्रीटमेंट में। और इनकी प्रोफाइल की बात करूँ तो 175/60R15 inch के व्हील हैं ये। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक आपको मिलता है। स्मार्ट ऑटो की ब्रांडिंग है फेंडर पे। ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल हैं LED टर्न इंडिकेटर के साथ। देन डोर हैंडल क्रोम में आपको मिल जाएंगे और ड्राइवर साइड पे पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर, बी पिलर मैट ब्लैक मिल जाता है आपको। एंड यहाँ पे बी, यहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है अगर नियोस और ऑरा को आप कंपेयर करते हो साइड से। सो यहाँ से पूरी गाड़ी अलग है, वहाँ तक पूरी गाड़ी सेम है जो नियोस आती है। गाड़ी दिखती अच्छी है, इसका डिज़ाइन अच्छा है, बहुत से लोगों को पसंद आती भी है, नहीं भी आती है। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनेट है गाड़ी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, उसके अलावा तो कोई इसमें इशू नहीं है। पीछे से गाड़ी अट्रैक्टिव दिखती है, जो इसके LED टेल लैम्प्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और दोनों टेल लैम्प्स को कनेक्ट करता है ये क्रोम वाला बार। ऑरा की स्प्रेड आउट ब्रांडिंग है, Hyundai का लोगो है। और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 2 पार्किंग सेंसर्स, नीचे यहीं पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, और इसका जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा ब्लैक्ड आउट है, दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। बात करें अगर इसके बूट की, तो यहाँ पे चाबी से आप उसको खोल सकते हो, नहीं तो आपका अंदर जो लिवर है उससे भी। तो यहाँ पे दबा के रखते हैं तो ये बूट लिफ्ट अप हो जाता है थोड़ा सा, एंड ये कुछ ऐसा बूट स्पेस है। सो 402 लीटर का बूट स्पेस आपको ऑरा ऑफर करती है जब बात बूट की आती है, और अच्छा खासा बूट स्पेस है, सामान आप लोड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, सब कुछ प्रॉपरली इंसुलेटेड है, कुछ भी पार्ट्स एक्सपोज नहीं है। सिर्फ एक ही दिक्कत है, इस प्राइस पे टाटा की टेगोर और बाकी गाड़ियों में भी मैंने देखा है कि इसका जो टेल गेट है उसमें पार्ट्स एक्सपोज्ड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे वायरिंग्स देख सकते हो, ये वायर तो कुछ भी सामान में वो अटक गई वो टूट सकती है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे फैब्रिक इंसुलेशन दे देनी चाहिए थी। अगर प्लास्टिक ऑन द कॉस्टलियर साइड होता है तो एटलीस्ट फैब्रिक इंसुलेशन दे देते ताकि ये चीज़ें एक्सपोज ना होती। एंड ये चीज़ आपको टाटा की टेगोर में भी मिलेगी, जिसका ये सबसे बड़ा राइवल है। देन यहाँ पे इसके नीचे स्पेयर व्हील है, जो कि आपको स्टील रिम मिलते हैं यहाँ पे, जो आपको मिल रहा है। इसकी प्रोफाइल की अगर बात करूँ, 165/70R14 inch का स्टील रिम आपको स्पेयर व्हील में मिलता है। सो ये हो गया रिगार्डिंग द बूट स्पेस। कुछ ऐसी आवाज़ आती है जब गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करते हैं। 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है। सो भाई, ये था पूरा एक्सटीरियर यहाँ पे ऑरा का। अब अगर आप ऑरा, नियोस, क्रेटा, अल्काज़ार, वेन्यू, कुछ भी लेने का, बेसिकली Hyundai की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, सो प्लीज़ आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो। शुराई के नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं। देखो, फ़ायदा ये है, गाड़ी आपको हो सकता है जल्द से जल्द डिलीवर हो,
अगर आप मुंबई या मुंबई के आउटर से हो, प्लस आपको कोई भी ऑफर्स या बेनिफिट्स एप्लीकेबल हुए तो आपको अपने आप पता चल जाएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो, आपको बेस्ट सर्विस एंड जल्द से जल्द गाड़ी भी मिलने के यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल का नाम लोगे तो ज़रूर मिलेगी आपको हेल्प। तो ये हो गया एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की बात करते हैं कि इंटीरियर में क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। सो यहाँ पर आपको ग्रे एंड वाइटिश में आपको थीम मिल जाता है। इवन इंटीरियर में सिर्फ गन मेटल फिनिश आपको डैशबोर्ड पे मिलता है। देन यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट में इंटीरियर डोर हैंडल है, यहाँ पे आपको ओआरवीएम के कंट्रोल्स हैं, लॉक एंड अनलॉक बटन, ड्राइवर साइड आपको वन टच डाउन मिलता है, वन टच अप नहीं मिलता, ऑल्सो 1 लीटर बॉटल स्टोरेज, स्पीकर सिस्टम, 4 स्पीकर्स आते हैं गाड़ी में, कोई ट्विटर्स का इनपुट नहीं है। सीट की बात करें तो यार इस प्राइस पॉइंट में इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर, ये एक कॉस्ट कटिंग है। प्लस वो डिक्की का मैंने बताया इंसुलेशन नहीं दी है, तो नहीं होनी चाहिए थी ये चीज़, बट स्टिल ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्टेबल है, तो 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, वो वाली 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, और पीछे एड्रेस आपको एडजस्टेबल एड्रेस मिल जाते हैं आखिरकार, बिकॉज मोर ऑफ अ पैसेंजर कार है ये, ड्राइवर कार से ज़्यादा ये मोर ऑफ अ पैसेंजर कार है। आराम से आप कंफर्टेबली इस सेडान गाड़ी में आप ट्रैवल कर सकते हो, एंड पीछे की बात बाद में करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो, सो इंटीरियर की बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल पे एक अलग ही प्रीमियमनेस यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत अच्छे लगते हैं इंटीरियर्स देख के, फिट एंड फिनिश, क्वालिटी, प्लास्टिक जो चूज़ किया है हर चीज़ का, हर बटन का बहुत ही प्यारा है। और ऑरा या नियोस की सबसे अच्छी बात यह है, एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं, हर बटन रीच में है, इधर ब्लाइंड स्पॉट का कोई इशू नहीं, ड्राइविंग कम्फर्ट अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, हाइटली एडजस्ट कर सकते हो आप सीट, कोई आपको इशू नहीं आएगा। और जो क्वालिटी ये लोग ऑफर करते हैं ना मार्केट में, इनसे अच्छा इस प्राइस पे कोई आपको ऑफर नहीं करता है, चाहे आप टाटा ले लीजिए या कोई भी गाड़ी ले लीजिए, जो क्वालिटी मटेरियल्स की है, फिट एंड फिनिश बहुत प्यारी है। स्टेयरिंग व्हील 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ है, और ये एडजस्टेबल है ओनली फॉर रेक, ये रीच के लिए एडजस्टेबल नहीं है। सो आपको टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील यहाँ नहीं मिलता, आपको इन्फोटेनमेंट कंट्रोल्स यहाँ मिल जाएंगे। देन यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर है, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, अगर मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चालू करके दिखाऊं तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है, आपको एनालॉग में टैकोमीटर यहाँ मिल जाएगा, उसके बाजू में आपको MID डिस्प्ले मिलती है, इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, ऊपर टेम्परेचर आपको दिखा देगा, अगर मैं थोड़ा क्लोज, टेम्परेचर यहाँ पे है। देन अभी गाड़ी शिपिंग मोड में है करंटली, तो इसलिए मैं ट्रिप ए ट्रिप बी भी मिलता है आपको। फ्यूल गेज इधर मिलता है, दरवाज़ा खुला है वो चीज़ वहाँ दिखा रहा है, और सारी वार्निंग लाइट्स नीचे आपको मिल जाएंगी, ऊपर हेडलाइट और इंजन चेक लाइट और सारी चीज़ें इंडिकेशंस ऊपर भी मिल जाते हैं आपको। सो पार्शल है, डिजिटल प्लस एनालॉग है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। साइड वाले एसी वेंट्स सर्कुलर हैं और बीच वाले कुछ ऐसे डिज़ाइन में हैं, गन मेटल फिनिश एसी वेंट्स के अराउंड, जो कि पैनल पे पूरी जाओ बहुत ही प्रीमियम लगता है भाई, नेक्स्ट लेवल पे लगता है ये। देन 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, देन आपको ब्लूटूथ और USB कंपैटिबिलिटी ये सपोर्ट करता है, अच्छा खासा लोडेड है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं, प्लस वो स्पीकर सिस्टम कैसा है, जाके वीडियो चेकआउट करो, गाने बजा के दिखाएं कैसा, पूरा रिव्यू दिया है इन दोनों का, वीडियो अलग से इसीलिए बनाई है बिकॉज यहाँ बताऊँगा लंबा हो जाएगा पूरा ये वीडियो। सो लिंक पहली ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसके अलावा हैजर्ड स्विच बीच में है, और एसी वेंट्स के ये जो एडजस्टर है ना, ये इनके ऊपर थोड़ा सिल्वर ट्रीटमेंट का वर्क है, और इधर ये सर्कल में थोड़ा सिल्वर ट्रीटमेंट का वर्क है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ दिया जा रहा है, यहाँ पे है असली जो पैसा आप भर रहे हो उसकी फीचर्स और फ़ायदे। फास्ट चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे, फास्ट चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, बेसिकली ये 12V का सॉकेट है, यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाता है ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, जो कि भाई कोई कमी नहीं है चार्जिंग करने के लिए गाड़ी में। AMD ट्रांसमिशन आप देख सकते हो यहाँ पे, R&D मैनुअल के लिए इधर शिफ्ट कर सकते हो, और गियर नॉब प्रीमियम है, यहाँ पे मिल जाता है आपको, इसमें क्या बोलते हैं आपका लेदर अपहोल्स्ट्री, ऊपर ग्लास फिनिश, एकदम अच्छा और प्रीमियम लगता है गाड़ी। कप होल्डर्स, ये हैंडब्रेक की टिप क्रोम में, पीछे AC वेंट्स भी मिल रहे हैं। ऊपर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टिकट होल्डर आपको मिल जाता है, ये रिसीवर, ये लाइट आपकी रेगुलर कन्वेंशनल लाइट है, डे एंड नाइट आपका IRVM यहाँ पे मिल जाएगा, ऑल्सो अगर यहाँ पे देखते हो आप तो आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। कुछ स्पेस है यहाँ पे, ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, कूल ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल रहा है।
दो एयरबैग्स हैं, ड्राइवर एंड पैसेंजर, ABS, EBD। तो भाई ये है पूरा SX प्लस ऑरा का फ्रंट कैबिन के बारे में। अब पीछे वाला कैबिन चेकआउट करते हैं। मैं अपनी सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता हूँ ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से। यस, एडजस्ट हो गई। अब पीछे चलते हैं और चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, सेम क्वालिटी मटेरियल्स हैं, कोई भी कॉस्ट कटिंग यहाँ नहीं दिखेगी। इंटीरियर डोर हैंडल्स सिल्वर में, विंडो कंट्रोल्स, 1 लीटर बॉटल स्टोरेज एंड आपका वही जो स्पीकर सिस्टम है, क्वालिटी वही है प्लास्टिक की, अच्छी प्लास्टिक, एकदम प्रीमियम वाली है। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आर्मरेस्ट आपको मिलता है, उसमें 2 कप होल्डर्स हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको माउंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, सॉरी एंकरेजेस मिलते हैं आपको, जिसका ये आप देख सकते हो इवन वो साइड पे है। एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स आपको यहाँ पे दिए ही जा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बैठ के दिखाऊँ आपको, तो अगर आप इसे देखते हो तो आप नी रूम चेकआउट करो भाई, बहुत अच्छा नी रूम है, मेरी अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। 5'8" मेरी हाइट है उस हिसाब से देखो। लेग रूम अच्छा है, AC वेंट्स, 12V का सॉकेट, देन हेडरूम भी अच्छा है, इवन लाइट आपको पीछे यहाँ भी मिल रही है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको फिक्स्ड हैंडल बार है, कोई कोट हुक नहीं है, ना कि यहाँ पे, ना ही यहाँ पे, और ना ही वो दोनों साइड पे। ऐसा है ये ऊपर पार्सल ट्रे, एंड तो ये है भाई पूरा। अब देखो यहाँ पे इसका जो हम्प है ना, वो ऑलमोस्ट फ्लैट तो नहीं है, बट 3 एडल्ट को सीटिंग एरिया वाइज थोड़ी दिक्कत आ सकती है, प्लस शोल्डर रूम में बहुत आएगी। अगर सीटिंग एरिया वाइज इतनी दिक्कतें हैं, बट शोल्डर रूम में तो आएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं जो विड्थ है इसकी वो थोड़ी सी कम है, बट ठीक है, 3 लोग अगर देखते हो आप, देखो कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बट शोल्डर रूम में आएगी तकलीफ। तो ये था पूरा रिगार्डिंग द रेयर कैबिन। अब बात करते हैं इसके इंजन, ट्रांसमिशन एंड माइलेज के बारे में। तो इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 82 BHP और 114 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देता है। माइलेज फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो 20 ARAI क्लेम्ड माइलेज है इसका, यानी कि 20 का ARAI क्लेम्ड है। अब भाई वो डिपेंड करेगा आपकी ड्राइविंग बिहेवियर पे कि कितना आप माइलेज निकाल पा रहे हो। सो ये था पूरा इसका इन एंड आउट। अब देखो इसका जो राइवल है स्विफ्ट डिजायर प्लस टाटा की टिगोर, अब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इससे बेटर प्रोडक्ट है टाटा की टिगोर। उसमें भी फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, पावरफुल इंजन मिलता है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी रिफाइंड इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर, प्लस इसके जो इंटीरियर्स हैं काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं, एकदम अच्छा यू नो ऑन द रिच साइड फील होता है। सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर प्रोडक्ट है, बट फीचर वाइज ये काफ़ी लोडेड है, आप इसके लिए जा सकते हो। सो भाई ये था पूरा इन एंड आउट यहाँ पे Hyundai की ऑरा के बारे में। कुछ भी सवाल है पूछो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो बेस्ट है Instagram, वहाँ कनेक्ट कर लो। सो मिलते हैं भाई अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।